आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा में तीसरी आंख को फंगस हो गया है। स्मार्ट सिटी के तहत लगे सीसीटीवी कैमरे कई स्थानों पर खराब पड़े हुए हैं। खराब तीसरी आंख पर किसी की नजर नहीं है। आगरा की तीसरी आंख को फंगस, कई स्थानों पर खराब पड़ी है तीसरी आंख। आगरा में स्मार्ट सिटी के तहत हर स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, यानी कि तीसरी आंख इस मकसद से लगाई गई थी जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके, किस इलाके में क्या माहौल बना हुआ है, कहां पर आपराधिक वारदातें हो रही हैं, इस बात की नजर रखने के लिए तीसरी आंख लगाई गई। हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे चौराहे पर लगाए गए, इसके अलावा हर मोड़ पर लगाए गए, गली मोहल्लों और कॉलोनियों में लगाए गए। लेकिन आगरा की तीसरी आंख को फंगस हो चुका है। कई स्थानों पर तीसरी आंख खराब पड़ी है। ईदगाह कड़गर क्षेत्र में तीसरी आंख खराब पड़ी है। यही वजह है लोहा पीटा समाज के साथ वारदात को अंजाम देने वाले तीसरी आंख में कैद नहीं हो पाए, जबकि तमाम सारे कैमरे ईदगाह कड़गर क्षेत्र पर लगे हैं लेकिन सभी खराब पड़े हैं। इसके अलावा ग्वालियर रोड मधुनगर चौराहे पर तीसरी आंख खराब पड़ी है। ग्वालियर रोड रोहता बमरौली हई रोड की रहने वाली एक महिला के साथ चौराहे पर वारदात हो गई थी। ऑटो में बैठते समय वारदात हुई थी, नकदी और ज्वेलरी निकाल ली गई थी, लेकिन मधुनगर चौराहे पर लगी तीसरी आंख खराब पड़ी है, जिसके चलते ऑटो और ऑटो सवार बदमाश कैद नहीं हो सके। ऐसा कई स्थानों पर है जहां पर तीसरी आंख खराब पड़ी है। तीसरी आंख कैसे खराब हो जाती है, इस पर भी तमाम सारे सवाल हैं। प्रमुख चौराहों पर तीसरी आंख क्यों खराब होती है या फिर खराब कर दी जाती है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, अपराधी खराब करते हैं या फिर कोई और खराब करता है, ये सब जांच का मामला है। नगर निगम में तीसरी आंख का कंट्रोल रूम है। सवाल ये भी उठता है कि तीसरी आंख पर नजर रखने वाले इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं, जबकि तमाम वारदातें लगातार हुई हैं। इन सब के बावजूद तीसरी आंख को ठीक करने की फुर्सत किसी को नहीं है। स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी इस तरफ से अपनी आंखें बंद करे हुए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत आगरा में हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, इस बात के लिए लगाए गए हैं जिससे हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सके, साथ ही अपराधियों पर भी नज़र रखी जा सके। बाकायदा एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है, लेकिन आम तौर पर देखने में आता है कि सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े, जब भी आवश्यकता पड़ती है तब सीसीटीवी कैमरे खराब नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं मधुनगर चौराहे का ये दृश्य है, यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो खराब है, जबकि मुख्य चौराहा है जहाँ से तमाम सारे रास्ते जाते हैं, ग्वालियर रोड की तरफ रास्ता जाता है, उसी हिदायत नगर थाने तरफ जाता है, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा है वो खराब है। ऐसे ही ईदगाह कड़गर क्षेत्र में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो भी खराब है। बदमाशों द्वारा लोहा पीटा समाज को शिकार बनाया गया लेकिन कैमरे खराब। कैमरे खराब हो जाते हैं या फिर कर दिए जाते हैं, खराब हो जाते हैं तो ठीक क्यों नहीं किए जाते, सबसे बड़ी बात ये भी है। वहीं सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है मुख्य चौराहों के सीसीटीवी कैमरे खराब, इस बात की जांच होनी चाहिए। जो कंट्रोल रूम में लोग बैठे हैं वो लगातार इस बात को उन्हें देखना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे खराब कहाँ के, अन्यथा सीसीटीवी कैमरे की उपयोगिता बेकार चली जाएगी, अपराधी अपराध करके चला जाएगा और पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती रहेगी। आम तौर पर सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, हाई पावर के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए लेकिन सब कुछ बेकार है। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।